नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और इस वीडियो के चलते चर्चा करेंगे आपके यूपी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और मैं बता दूँ आपका ये पार्ट टू है, इससे पहले आपका पार्ट वन प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपके जो भी पिछली परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी चर्चा की है और आगे भी उनके आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक एंड अदर सोशल साइट पर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, इससे और भी दोस्त का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। और उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली की डेली जो भी वीडियो मिलती है उसकी PDF मिल जाती है और यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको डेली के डेली मिलते रहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला ही है आपका कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका टेलीफोन नेटवर्क के मतलब तारों मतलब वायर्स हो गए, और डेटा संचरण जिसे बोलते हैं आपका डेटा ट्रांसमिटन के द्वारा इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका इस्तेमाल करते हैं आपका डेटा संचरण इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। अगला आपका भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं बता दूं आपका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 2012 से 2017 के बीच चली थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था तो वो था आपका तेज सतत और अधिक समन्वित विकास, मतलब कि फास्टर और सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब तेज सतत और अधिक समन्वित विकास। अगला है आपका कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, मतलब जो संवैधानिक उपचार है इसके अधिकारों के तहत आता है। तो बता दूँ आपका वो मौलिक अधिकारों के तहत आता है, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकारों के आता है। अगला है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई है। यहाँ पर किसान है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई है। तो मतलब आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू की गई वह 1998 से 99 के बीच आपकी लागू की गई थी, 1998 से 1999 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। और मैं बता दूँ ये किसानों की जो ऋण थे उनकी आवश्यकताओं मतलब कि खर्चों की पूर्ति के पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना एक असमर्थता खर्चों के अलावा उनके खर्चों की पूर्ति करना था इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कार्य। अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है जो आपका UNO है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, तो वो है आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश, इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्यान्ह योजना चलाई गई थी। तो मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके चलते थोड़ा बताऊंगा उसको भी आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि 1995 में मध्यान्ह योजना चलाई गई थी, इसे आपका मिड डे मील बोलते हैं, जिसमें इसके चलते आपको पता ही होगा कि बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भोजन मिलता है। तो ये इसके जो मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। और मैं बता दूं आपका यह जो योजना चलाई गई थी आपकी 15 अगस्त 1995 में यह योजना चलाई गई थी। इसके चलते क्या था आपका, कक्षा एक से आपके कक्षा पाँच तक के बच्चों को सरकारी परिषद या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने की, प्राथमिक विद्यालयों में जो भी बच्चे पढ़ते थे उनकी 80% अटेंडेंस होने पर उनको 3 kg मतलब 3 kg चावल और गेहूं देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि नया फैसला सुनाया उसने 28 नवंबर 2001 में, कहा कि मतलब कि जो भी अब नया क्रम होगा प्रदेश में उसका 1 सितंबर 2004 से बच्चों को पक्का पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके चलते इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। तो दोस्तों इसमें आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। अगला है आपका रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो आपका बता दूं जो आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज था, आपका जो रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो वो आपके भारतीय राष्ट्रीय फौज, इस नाम से आपका
राजबैरी बोस ने जून 1942 में इसकी स्थापना की थी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप सभी को पता होगा जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपका गोलमेज सम्मेलन, इसमें मैं बता दूँ आपका B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला है आपका कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुकर्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ है? तो मतलब आपका वो कस्तूरबा गांधी जी, जो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर यह घोषणा लागू की गई थी, जो आपका जिसका नाम था जननी सुकर्षा योजना, और वो हुआ था आपका 11 अप्रैल 2005 में, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ। अगला आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो आपका कृषि क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर एरिया हुआ है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, जिसे आपका बैकबोन भी बोल सकते हैं, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहेंगे? तो आपका कृषि क्षेत्र को कहेंगे। अगला आपका इकोनॉमी सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आपका जो इकोनॉमी सर्वे है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कि वित्तीय क्षेत्र के द्वारा आपका इकोनॉमी सर्वे प्रकाशित होता है, और मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही होगा इस समय प्रेजेंट टाइम में अरुण जेटली जी हैं। अगला आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपको बता दूँ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में आपका 12 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, और जो का आर्टिकल 80 का के तहत, मतलब आर्टिकल ये के तहत इसमें आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला आपका कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो बता दूं आपका सहाजगही, जो सहाजगही है आपका, इसकी जो आपका शिलालेख था इसमें आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। और मैं बताऊँ आपका सहाजगही एक गांव है, अब ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है। आपको ये भी याद रखना, ये आपका पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है एक गांव और ऐतिहासिक स्थल है, और यह जो इसमें शिलालेख की जो स्थापना हुई थी वो आपका 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा यह शिलालेख को प्रसिद्ध हुआ था। अगला आपका हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो आपका हंटर आयोग ने बता दूं आपका प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था आपका हंटर आयोग ने, और मैं बता दूं आपका हंटर आयोग का जो स्थापना हुई थी वो आपका ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि हाँ हंटर आयोग जो गठन हुआ था, मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य उसको किसने उस समय लॉर्ड, मतलब कि वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड रिपन थे, और यह जो हुई थी आपकी 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला आपका विषाक्त दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आपको बता दूं जो विषाक्त दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है आपका? तो आपको बता दूं ये अलाइनमेंट, इसका सही आंसर है आपका अलाइनमेंट जो है वो आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। और मैं बता दूं ये जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये आपका अलाइनमेंट, इसको इंग्लिश में भी अलाइनमेंट ही बोलते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा जो एक है वो आपका सही नहीं दिया गया है। पहला है आपका यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, ये भी आपका सही है। यह आर्थिक संप्रदायों में नागरिकता की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी आपका सही है। अगला आपका यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ये आपका गलत है, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। यह धर्म के नाम पर मतभेद का निषेध है, मतलब कि जो भी धर्म के नाम पर मतभेद करते हैं उसको भी यह इसका मतलब कि अनुमति नहीं देता अपना भारतीय संविधान, ये भी आपका सही है। अगला है आपका कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो वो है आपका पंचायती राज निकायों में आपका भारत के महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध, और मतलब संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत आपका यह शक्ति प्रदान हुई। अगला है आपका कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो मतलब आपका भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो आपके 1872 ईस्वी में हुई थी, उस समय जो बास राय थे वो आपका लॉर्ड मयो थे,
और उसके बाद जो नियमित जनगणना हुई थी वो आपकी 1881 में हुई थी, उसमें जो वासराय थे वो लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने अभी हंटर आयोग का गठन किया था, रिपन थे। उसके बाद 2011 में जनगणना हुई थी, वो मैं बता दूँ आपका भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग तो 15वीं जनगणना थी, और पर स्वतंत्र भारत की वो आपकी 7वीं जनगणना थी, 2011 की जनगणना। ठीक है, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं बताऊँ आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो है आपका पुजारी। जो पुजारी है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार नहीं है, और आपका जो पुजारी रोजगार है वो आपका तृतीय मतलब कि तीसरी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बाकी ये सब आपके प्राथमिक मतलब फर्स्ट एरिया के। अगला है आपका कि ISDN का एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ, मतलब ISDN एक मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब कि कार्य क्या है, तो ISDN की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, और इसका जो कार्य है वो आपका ध्वनि एवं वीडियो एवं डाटा मतलब कि साउंड हो गया आपका एंड वीडियो हो गया एंड डाटा को एक साथ मतलब कि ट्रांसफॉर्म करना होता है, संचरित मतलब ट्रांसफॉर्म करना होता है, ISDN का कार्य। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान के स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि आपका ये जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ये जो है आपका माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, आपका मूल अधिकारों का उदाहरण नहीं है। अगला आपका कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित मतलब इंस्टॉल किया, भारत में प्रथम कंप्यूटर आपका जो इंस्टॉल किया गया था वो किया गया था आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता, जो कि आपकी 1995 में यह इंस्टॉल किया गया था भारत में प्रथम कंप्यूटर। अगला आपका पहला दूर संचार उपकरण था, तो आपका जो पहला दूर संचार उपकरण था तो वो था आपका टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ था वो आपका पहला दूर संचार उपकरण था। अगला है 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है, तो आपको बता दूँ 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है, तो वो होती है आपकी 23.5 मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में मतलब उत्तर में होती है आपकी 21 जून को दोपहर के सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर। और मैं बता दूँ आपका 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा जो है सूर्य के ठीक सामने वाली मतलब अर्थात तिथि के सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, मतलब 21 जून को आपका कर्क रेखा के सूर्य होता है वो लंबवत चमकता है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, तो आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन है वो आपका वातावरण में सबसे मतलब कि अपने इन्वायरमेंटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78.08% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, और मैं बता दूँ आपकी ऑक्सीजन वो आपकी 20.95% पाई जाती है, बाकी आपकी अन्य गैसें होती हैं। अगला आपका ई कॉमर्स ई लर्निंग ई बैंकिंग एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं, इन सबको इंग्लिश में भी यही बोलें कि ई कॉमर्स ई लर्निंग ई बैंकिंग एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में किसकी योजनाएं हैं, तो ये सब आपकी जो योजना है वो आपका ई सर्विसेज की योजनाएं हैं, आपका ई सर्विसेज की योजना होती हैं आपकी ई कॉमर्स ई लर्निंग ई बैंकिंग एम कॉमर्स इत्यादि। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन से दो दूर दस्त स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे जुड़े हैं, मतलब कि कौन से हैं जो दो दूर स्थित स्थान हैं जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो वो हैं आपके सिलचर और पोरबंदर, जो आपका सिलचर और पोरबंदर है वो आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं, और मतलब आपका जो सिलचर है वो आपका असम में और पोरबंदर आपका गुजरात में, आप सभी को पता होगा, तो आपका ये जो पूर्वी पश्चिमी दूर स्थित गलियारे हैं जिन्हें जुड़े हुए हैं आपका, ये आपका सिलचर असम में और पोरबंदर गुजरात में है। अगला आपका दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, तो आप सभी को पता होगा बहुत ही सिंपल आंसर है कि दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अगला आपका निम्न में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारता है, तो वो आपके क्रिस गेल हैं, जो कि वेस्ट इंडीज टीम है उसके खिलाड़ी हैं आपके, इसमें T20 में इनने सर्वाधिक छक्के मारने का अपने नाम का रिकॉर्ड बनाया है। अगला है आपका कि IP मतलब कि इसका फुली फॉर्म बताना है अभी मैं बता दूंगा, तो जो IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली मतलब कि टर्म, इसका पूर्ण अर्थ क्या है, तो आप सभी को पता होगा IP का पूर्ण अर्थ क्या होता है,
तो वो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का पूर्ण अर्थ। अगला है आपका कि निम्न में से सही मिलान कीजिए। ये आपका है यूनियन ऑफ इंडिया, आपके इसके आगे दे रखा है मेयर, ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपका गवर्नर, स्टेट आपका सरपंच। मतलब हिंदी में बता दूँ आपका भारत का संघ, फिर आपका मेयर, या मेयर ही बोलते हैं, महापौर बोलते हैं, ग्राम पंचायत आपका राष्ट्रपति दे रखा है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ही बोलेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आपका नगर निगम बोलते हैं, इसके आगे आपका गवर्नर दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है, स्टेट मतलब राज्य, और सरपंच मतलब कि मुखिया, इन मतलब कि गाँव की भाषा मुखिया बोलते हैं। तो इसका सही मिलान करना है आपको। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा आपका, कि जो यूनियन ऑफ इंडिया होता है उसका आएगा आपका प्रेसिडेंट, मतलब कि उसके जो मतलब कि मुख्य इंसान होते हैं वहाँ का प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, आपका स्टेट के हो गए आपके गवर्नर, आपका ग्राम पंचायत के हो गए सरपंच, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होगा मेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, मतलब कि ए के आपका बी आएगा, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब कि प्रेसिडेंट आएगा, और आपका ग्राम पंचायत का आपका सरपंच आ गया, डी आ गया, और तीसरे के आ गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपका मेयर आ गया, स्टेट का आपका गवर्नर आ गया। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संसदा है जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि ऐसी कौन सी इसमें संसदा दे रखी जो आपके जो नियम है उनको चेंजेस कर सकती है आपके भारत में, तो वो है आपकी संसद, पार्लियामेंट है जो आपकी इंडिया की, वो आपका देश में वर्तमान नियम जो भी चलते हैं उनको भी चेंजेस कर सकती है, और ये जो इसके अधिकार वो आपका आर्टिकल 368(2) के तहत यह किया गया कि संशोधन प्रक्रिया दोनों बहुमत की आवश्यकता, मतलब दोनों सदनों की बहुमत की आवश्यकता होती है, उसके चलते आपका यह संशोधन करके उसको चेंजेस कर सकती है भारत के रूल में। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आरंभ किस शहर में किया है, मतलब किस शहर से किया। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो आरंभ हुआ था वो आपका नोएडा से किया गया था, और आपका बता दूँ 5 अप्रैल 2016 से इसका आरंभ हुआ था, इसमें आपका सेक्टर 62 से इसका आरंभ हुआ था स्टैंड अप इंडिया का योजना। और मतलब इसका जो मतलब कि इस इंडिया के इस योजना के तहत है क्या, तो वो का मतलब दूँ देश में अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजाति मतलब ST एंड SC कास्ट के लिए महिलाओं और वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसको उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इसके चलते मतलब 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था। अगला आपका निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल है जो आपका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है आपका अपने उत्पादन वस्तुओं का। तो बता दूँ आपका जो जूट से बनी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, 3.5% तक आपका जूट से बनी वस्तुओं का आपका पश्चिम बंगाल उत्पादन करके उनका निर्यात करता है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक अंदर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।